नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुएटी से HRA तक 50% DA के बाद बदल गई है ये चीज़ें। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से किन किन बड़े तोहफों का लाभ मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल साल की पहली 6 मई में कई ऐसे भत्तों को बढ़ाया गया जिसके बारे में बहुत ही कम कर्मचारी जानते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का भत्ता बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। भत्ता 50% होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलग अलग तरह के कई भत्तों में इजाफा हुआ। कर्मचारियों के किराया भत्ता में बढ़ोतरी हुई। एक्स वाई जेड श्रेणी के शहर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेजुएटी पर टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। इसके अलावा रिटायरमेंट और हेल्थ ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया। ग्रेजुएटी वह योजना जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देती है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी उसी नियोक्ता के यहाँ 5 या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा दे रहा है। ग्रेजुएटी भुगतान नियम 1972 के अनुसार यह ग्रेजुएटी कर्मचारी को तब दी जाती है जब उनकी रिटायरमेंट हो या फिर सेवानिवृत्ति हो रही हो। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने वर्ष 2018 के एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा है और आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में 50% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25% बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों की शिक्षा भत्ता छात्रा सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के द्वारा दिए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चे के शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.50 होगी। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राशि के बदलाव का भी जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।